डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू सिलेबस के अंतर्गत, जो यूपी बोर्ड का नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंतर्गत क्लास 11th में जो पोएट्री सेक्शन है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। और ये फर्स्ट चैप्टर एक पोयम है, पोयम का नाम है आ फोटोग्राफ। ये सिरले टाउलसन ने कंपोज की है इस पोयम को। और इस पोयम में जो पोएटेस है वो रिकलेक्ट करती हैं, यानी याद करती हैं अपनी माँ की पिक्चर को देख के, कि कैसे जब उनकी माँ 12 वर्ष की थी तो अपने हॉलीडे को कैसे बिताती थी। उस पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसमें उनकी माँ का एक चित्र है जिसमें वो अपनी दो बहनों के साथ मुस्कुरा रही हैं और बीच में फोटो खिंचा रही, समुद्र के बीच में। बीच कहने का अर्थ है किनारा, जो किनारा होता है समुद्र में जहाँ पानी कम होता है वहाँ वो खड़ी है फोटो खिंचा रही। तो एक स्टेज तो यहाँ ये बताई गई है, और दूसरी ये बताई गई है कि लगभग करीब वही 20 या 30 वर्ष बाद जब उसकी माँ इस फोटो को देखती है, पोएटेस की माँ, तो वो पोएटेस को बताती है कि देखो वो कैसे एंजॉय करती थी उस समय। और जो थर्ड स्टेज है उसमें, और उसमें जो पोएटेस है वो ये बताती है कि अब उनकी माँ उसमें उस समय जीवित नहीं है, तो पोएटेस ये बताती है उसमें कि उनको अब कितना दुख है। तो इस तरीके से इसमें थ्री स्टेजेस में ये पोयम है पूरी, और बहुत ही अच्छी पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड से शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। अब पोएटेस कहती है द कार्डबोर्ड शोज मी, जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड क्या होता है कि एक फ्रेम होता है जिसमें फोटो पेस्ट होती है, वो कार्डबोर्ड कहलाता है। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। पेडलिंग का अर्थ होता है छिछले पानी में चहलकदमी करना या टहलना। कि लेखक कहती है यहां, यानी पोएटेस कहती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी, ये कार्डबोर्ड मुझे शो करता है कि उस समय क्या वो समय था, हाउ इट वाज, कि कैसा था, व्हेन, जब द टू गर्ल कजिन, दो गर्ल कजिन, यानी अब उनकी माँ की दो जो कजिन है, बहनें हैं, चचेरी बहनें, वेंट पेडलिंग, पेडलिंग के लिए गई, यानी पानी में टहलने के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से प्रत्येक, ईच वन होल्डिंग, पकड़े हुए, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक हाथ को, यानी वे दोनों मेरी माँ के एक हाथ को पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और जो मेरी माँ है वो बिग गर्ल है, बड़ी लड़की है, यानी कहने का अर्थ ये है उन दोनों में बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, कि कुछ करीब करीब 12 ईयर्स और सो, सो माने करीब करीब, कि कुछ करीब करीब 12 वर्ष की उनकी उम्र है उस समय, कि मेरी माँ के दोनों हाथों को उनकी दोनों चचेरी बहन पकड़े हुए हैं एक एक हाथ, और पेडलिंग कर रही। ये कार्डबोर्ड शो कर रहा है, यानी पिक्चर जो है उस पिक्चर में ये चित्र है कि पोएटेस की माँ खड़ी है और उनकी दो जो चचेरी बहनें हैं उनको एक एक हाथ को दोनों तरफ पकड़े हैं और पेडलिंग कर रही। कहने का अर्थ है क्या कर रही, छिछले पानी में चल रही। और जो उनकी माँ है लगभग करीब उनकी उम्र 12 वर्ष है और उन दोनों में बड़ी है। तो फिर आगे ऑथर कहती है द थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों स्टिल खड़ी हुई है, शांत खड़ी हुई है, टू स्माइल, स्माइल करने के लिए, थ्रू देयर हेयर, कि अपने बालों में से, अब बालों से स्माइल करने का अर्थ क्या है, थ्रू देयर हेयर, अपनी बालों के जरिए स्माइल करना। कहने का अर्थ ये है कि चूंकि जो हवा है ना वो हल्की हल्की चल रही, तो हवा चलने से उनके जो बाल है वो उड़ रहे, वहां का जो एटमोसफेयर है वो विंडी है। कहने का अर्थ है कि हवा चल रही, तो हवा चलने से उनके बाल उड़ रहे, तो जो वो स्माइल कर रही है वो बाल उड़ने की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे बालों से देख रही हूँ, बालों से झांक कर देख रही हूँ। एट द अंकल्स विद द कैमरा, कि ऑल थ्री, यानी वे तीनों स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा,
उन अंकल की ओर स्माइल कर रही है, देख रही है विद द कैमरा, जो कैमरा लिए, यानी अंकल वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस, अब आगे पोइटेस कहती है, अ स्वीट फेस माई मदर्स, कि मेरी माँ का एक स्वीट फेस था, प्यारा चेहरा था, दैट की दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी वो जब मैं जन्मा था उसके पहले मेरी माँ का जो चेहरा था वो बहुत स्वीट था, बहुत स्वीट फेस था। एंड द सी, और समुद्र, अब ये पिक्चर को ही देख रही है ऑथर, पोइटेस पिक्चर को देख रही है और कह रही है कि उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत स्वीट था, क्योंकि उस समय मैं जन्मा भी नहीं था, मेरी माँ ही 12 वर्ष की थी उस समय। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपियर्स, जो दिखाई दे रहा है, अपियर हो रहा है, टू हैव चेंज्ड लेस, जो कम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो कम बदला दिखाई दे रहा है, यानी अब समुद्र के कहने का अर्थ है समुद्र के यहाँ अपरिवर्तनीय बताया है, यानी ऐसा जो पूरा कभी चेंज नहीं होता, कम चेंज दिखाई दे रहा है, यानी जो लहरें उठ रही हैं वही चेंज हो रही, बाकी समुद्र जो कहते हैं वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसियंट फीट, और वो समुद्र वॉश कर रहा है, धो रहा है, देयर माने उनके, टेरिबली माने अत्यधिक, ट्रांसियंट माने क्षणिक, फीट माने पैर, उनके अत्यधिक क्षणिक पैरों को। अब यहां दो कंपैरिजन की गई, पहला समुद्र को बताया गया है कम चेंज होने वाला, और इनके पैरों को बता दिया गया है जो क्षणिक है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यानी ये बदलते रहते, कैसे बदलते रहते, अब चूंकि जो वो स्थिर खड़ी है उसमें पानी में पेडलिंग कर रही, वो केवल थोड़े समय के लिए कर रही, वो तो वहां से हट जाएगी, चली आई होंगी, घर चली गई होंगी, लेकिन जो समुद्र है वो एक सा है, समुद्र चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनके जो पैर हैं वो ट्रांजिएंट फिट यहां कहा गया है, क्योंकि ये जो स्थिति में वो खड़ी है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इस स्टेंजा में बताया है कैसे उनकी माँ अपनी बहनों के साथ फोटो खिंचा रही हैं, और जो समुद्र है उनके पैरों में, समुद्र उनके पैरों को धो रहा है, कहने का अर्थ है कैसे धो रहा है, उनकी लहरें टकरा रही हैं, तो वॉश देयर टेरिबली ट्रांसियंट फीट। अब आगे क्या होता है, आगे क्या कहती हैं ऑथर पोइटेस, कहती है कि सम 20 और सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि कुछ 20 या 30 साल बाद, सी वुड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, सी करीब 20 या 30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि स्नैपशॉट माने होता फोटो, कि फोटो को देखकर, अब इसमें क्या है, उसकी माँ फोटो देख रही, वही चीज पोटेस बताती है, उनकी माँ जब देखती है फोटो तो वो लाफ्ड, हंसती है, और क्या कहती है, सी देखो बेटी एंड डॉली, अब जो बेटी एंड डॉली क्या है, ये जो दोनों कजिन है उनके नाम है बेटी एंड डॉली, कि देखो बेटी और डॉली को, सी वुड से, उन्होंने कहा, एंड लुक, और देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कहती है कि देखो कैसे दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वे कैसे ड्रेस अस होती, ड्रेस ड्रेस्ड अप होने का अर्थ ये है, अब ड्रेस्ड अस का अर्थ ये है कि हम सभी वहां उस समय कैसे कपड़े पहनते थे, कि देखो वे लोग कैसे कपड़े पहने, यानी उस समय हम लोग कैसे कपड़े पहनते थे, फॉर द बीच, जब बीच में जाते थे, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, अब ऑथर कहती है कि जो सी हॉलीडे था, यानी इस तरीके से समुद्र में हॉलीडे बिताना उनका पास टाइम था, यानी उनका टाइम पास था, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और आगे पोइटेस कहती है कि उनका जो पास टाइम था वो ये था, यानी वो ऐसे अपने हॉलीडे को बिताती थी समुद्र में, और मेरा जो अपना टाइम बिताना था वो इस उनकी हंसी देखकर बिताती थी मैं समय, कहने का अर्थ ये है कि ऑथर जो पोइटेस है उनका जो पास टाइम है वो माँ की हंसी देखना है, और जो उनकी माँ है उनका पास टाइम वो सी हॉलीडे था, बोथ ब्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब बोथ ब्राई, और ऑथर कहती है कि बोथ ब्राई, हम दोनों डिसअपॉइंट, ब्राई का अर्थ होता है डिसअपॉइंटेड, यानी निराश, हम दोनों निराश हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब लेबर्ड ईज, अब इधर लेबर्ड भी है यानी परिश्रम से किया हुआ, और ईज माने सुविधा यानी आराम, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है, तो यहाँ लेबर्ड ईज के दो अर्थ हैं ऑफ लॉस दोनों के लिए, क्योंकि एक तो लॉस हुआ है ऑथर का,
क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रही। और दूसरा लॉस ये हुआ है कि जब उसकी माँ ये पिक्चर देख रही हैं उस समय माँ की उम्र काफी हो चुकी है, और वो जो समय था, जो उनका पास टाइम था, वो चला गया। जैसे वो सी हॉलीडे को पास करती थी, वो चला गया, वो समय बीत गया। तो इस पर उनकी माँ को भी दुख है, और जो ऑथर है, जो पोइटेस है, उनको ये दुख है कि उनकी माँ नहीं रही। तो ये बोथ ब्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि दोनों को जो लेबर्ड ईज, जो बड़े परिश्रम से जो वो किया करते थे, वो दोनों लॉस हो गए। यानी ऑथर क्या किया करती थी, उस फोटो को देखा करती थी अपनी माँ की, और खुश होती थी माँ को याद करके। अब चूंकि उनका लॉस ये हुआ कि उनकी माँ नहीं रही, और जो उनकी माँ का लॉस है वो ये है कि अब वो समय नहीं रहा था कि जब उनकी माँ उस सी हॉलीडे को एंजॉय करती। तो इस तरीके से ये दोनों के लिए लॉस बताया गया है, लेबर्ड इज ऑफ लॉस। अब अगला देखें स्टेंजा। नाउ अब सी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी हैं। ऑथर कहती हैं कि वो मर चुकी हैं, नियरली, लगभग, एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि लगभग इतने वर्ष हो गए उनको मरे हुए, एज मेनी इयर्स, इतने वर्ष, एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो लड़की जीवित थी, लिव्ड थी, कहने का अर्थ है जब वो लड़की थी। वो कब, कौन लड़की की बात हो रही, जब उनकी माँ की उम्र 12 वर्ष थी, करीब करीब 12 वर्ष थी। तो उतने ही वर्ष पहले उनकी माँ मर चुकी। अब ये पोइटेस बताती हैं, वो क्या कहती हैं, एंड ऑफ दिस सरकमटेंस, और इस परिस्थिति में, अब जब ऑथर यानी पोइटेस जब उस फोटो को देख रही हैं, जब उनकी माँ नहीं जीवित हैं, करीब 12 वर्ष हो गए उनकी माँ को मरे हुए, तो वो कहती हैं एंड ऑफ दिस सरकमटेंस, इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एट ऑल माने होता बिल्कुल भी, कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा जाए, यानी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं बहुत दुखी हूं। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। अब जो इस फोटो में जो ये साइलेंस है, और ये जो इस परिस्थिति का जो दुख है, जो परिस्थिति जन्य ये दुख उत्पन्न हुआ, यानी मेरी माँ की डेथ हो चुकी है, अब सी इज नो मोर, अब वो नहीं रही, तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि इट्स अ साइलेंस, जो इस परिस्थिति की साइलेंस है, जो निस्तब्धता है, जो एक मूकता है, वो मूकता साइलेंस करती है, मुझे शांत करती है, यानी बोलने नहीं देती, यानी अब मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूं। तो इस तरीके से ये जो पोएम है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये पोएम आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इस पर कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।